डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे नई अपडेट के बारे में। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो वैकेंसीज आने वाली थी, तो उनका जो है रैशनलाइजेशन हो गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ निगम वेजेस रेट्स से डीसी रेट इन द स्टेट, तो ये नोटिस 3 आया है वेबसाइट पर। जिसमें तो बात करें, सारी पोस्ट का जो है एक तरीके से आपका क्वालिफिकेशन निर्धारित हो गई है। तो जो भी इससे संबंधित है वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे बात करें, लेवल 1 में जो आती है ऑफिस वर्कर्स, MTS जो होती है, पियोन, डाक रनर जो होती है, इसमें मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत। तो इस तरीके से सारी जो एलिजिबिलिटी जो है रिवाइज हो गई है। फील्ड वर्कर्स की बात करो, जैसे मालिक कुली धोबी, इनके लिए होगी पास्ट क्लास 5। तो इसी तरीके से हम बात करें तो टीचिंग पोस्ट की क्या रहती है, तो पहले बात करें क्लैरिकल की, देख सकते हैं क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, LDC, असिस्टेंट, इनकी जो +2 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो एक तरीके से आपकी +2 है आपकी, और आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। टीचिंग विद लेवल 3 में देख सकते हैं आप, जिसमें दिया हुआ है ये सीरियल नंबर 5 में पैरा टीचिंग एसोसिएट। तो इसमें टीचर एक्सेट्रा की बात करते हो, इसमें एलिजिबिलिटी है +2 विद 2 ईयर DEd और BA/BEd एज केस मे बी। तो ये टीचिंग पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करें फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की क्या हो रहेगी, इसमें मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, तो ये रहेगी आपकी फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट के लिए। आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट की बात करते हो, डिग्री या फिर डिप्लोमा इन रिलेवेंट लाइन। इंस्ट्रक्टर की बात करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो इसके लिए भी डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट लाइन। वोकेशनल टीचर्स के लिए भी ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो टीचिंग के लिए सिर्फ यही वैकेंसी के लिए बात करें, इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है, बाकी इसमें अलग अलग तरीके की है। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको चैनल पर बता दीजिएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।